लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दिया था, जिसमें 4 किसानों की मृत्यु हुई थी, साथ ही 11 किसान घायल हुए थे, जिसका निषेध करते हुए आज पूरे देश संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा रेल रोको आंदोलन किया गया। यह आंदोलन देश भर में चल रहा है। मोर्चे की मांग है कि लखीमपुर मामले में निष्पक्ष जांच तब तक नहीं हो सकती जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाता। संगठन के नेताओं की मांग है कि मिश्रा को मंत्रिमंडल से हटाने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया जाए। मोर्चे ने लखीमपुर मामले को नरसंहार बताया। इसके निषेध में पूरे देश में रेल रोको आंदोलन किया गया। मांग पूरी न होने पर तीव्र आंदोलन का इशारा भी संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचा सचिव आणि संयुक्त किसान मोर्चाचा नागपूर जिल्ह्याचा संयोजक आज संपूर्ण देशामध्ये संयुक्त किसान मोर्चाने रेल रोको आंदोलन सकाळी 10 ते 4 पर्यंत घोषणा केली आहे। यामागचं कारण असं की 3 ऑक्टोबरला लखीमपूरमध्ये केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या उत्साहामुळे त्याच्या मुलाने ज्या दिवशी विरोध प्रदर्शन होतं 3 तारखेला शेतकरी शांततेच्या मार्गाने विरोध प्रदर्शनाकडे जात होते आणि अजय मिश्राचा जो मुलगा आशिष मिश्रा याने भरधाव जीप चालवून शेतकऱ्यांना कुचलून टाकलं, त्यांच्यावरतून ती जीप चालवली, 4 शेतकऱ्यांचा जागीच मृत्यू झाला आणि 11 शेतकरी हे घायल झाले आणि मग शेतकरी त्यांच्यामागे धावले तर धावल्यानंतर अजय मिश्रा त्या कारमधून पळण्यात सक्सेस झाला, पण जाता जाता त्यांनी पिस्तूल काढली। बनकरजी, नेमकं आंदोलन कशासाठी? पिस्तूल काढली आणि त्याची रतन कश्यप या पत्रकाराची हत्या झाली। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पूरे देश में आज रेल रोको आंदोलन कर लखीमपुर घटना का निषेध किया गया, साथ ही दोषियों पर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की गई है। अब देखना ये होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा की मांग पूरी होती है या नहीं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।